ये एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा है, जीवन धारा। कार्यक्रम जीवन धारा सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो की हिंदी सेवा की ओर से हम आपका स्वागत करते हैं। आइए आपको इस 30 मिनट में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। आज बच्चे कहानी सुनेंगे, कहानी के बाद एक गीत और फिर कार्यक्रम के अंत में पवित्र शास्त्र यानी बाइबल से परमेश्वर का वचन होगा। तो श्रोताओं, आइए बच्चों की कहानी सुनने से पहले इस गीत को सुनते हैं। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल हमें है सिखाती, गुनाहों से तुम दूर रहना। ये बागे अदन एक दुनिया, गुनाहों का फल तुम न चखना। ये बाइबल है डाल उसकी, खुदा का है ये इंतजाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। है मूसा का फरमान इसमें, है दाऊद का ईमान इसमें। खुदा की मोहब्बत बताती है पतरस का अरमान इसमें। गुनाहों से माफी की कुंजी, मसीहा तेरी ये जुबान। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। ये दिल को ख्यालों को बदले, ये गुमराह इंसानों को बदले। दुश्मन से मोहब्बत सिखाती, राहें नजात दिलाती। बाइबल है एक ज्योति, अब दी खुशी का पैगाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम। खुदा ने जहां को दिया है बड़ा बेशकीमत इनाम। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम।
प्यारे बच्चों, सुनीति आंटी की तरफ से आपको नमस्कार। आज हम स्वागत का तरीका नामक कहानी सुनेंगे। बहुत पुरानी कथा है। एक संत थे, लोगों के बीच उनका बहुत सम्मान था। एक बार धर्म प्रचार करते हुए वह एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां के लोग अज्ञानी एवं उपद्रवी थे। उन्होंने संत का अपमान करने के लिए जूतों की एक माला बनाई और संत के गले में डाल दी। इस अपमान के बावजूद संत बड़े प्रसन्न थे। वह माला को लेकर जरा भी विचलित नहीं हुए, उल्टे और मुस्कुराते रहे। लोग उन्हें ऐसा करते देख हैरान थे। उन्होंने तो सोचा था कि संत बहुत नाराज होंगे, उन्हें अपशब्द कहेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। तब भीड़ में से एक व्यक्ति ने कहा, क्या आपको पता है कि यहाँ फूलों की माला नहीं, जूतों की माला है? इस पर संत सहज भाव से बोले, मैं तो केवल माला देख रहा हूँ। माला फूलों की हो या जूतों की हो, क्या अंतर पड़ता है? मैं केवल इतना जानता हूँ कि यदि मैं श्रेष्ठ लोगों के बस्ती में जाता तो मेरा स्वागत सत्कार फूलों की माला से होता, और अब चूंकि दुष्टों की बस्ती में आ गया हूँ तो मेरा स्वागत जूतों की माला से हो रहा है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? स्वागत करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। संत की इन बातों से उस बस्ती के लोग बेहद लज्जित हुए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने संत से क्षमा मांगी। संत ने उन्हें माफ कर दिया। उन लोगों ने संकल्प लिया कि वे विपरीत परिस्थिति में भी संत की तरह धैर्य बनाए रखेंगे और किसी भी हाल में क्रोध नहीं करेंगे। इस तरह संत ने अपने आचरण से उन बस्ती वालों को सुधार दिया। आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो का जीवन धारा कार्यक्रम सुन रहे हैं। यदि आप यीशु के जीवन और उनकी शिक्षाओं या फिर स्वास्थ्य विषय पर पत्राचार द्वारा अध्ययन करना चाहते हो तो हमें इस पते पर लिखें, वॉइस ऑफ प्रोफेसी, 11 हेली रोड, नई दिल्ली 110001, इंडिया। श्रोताओं, इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन सुने, आइए ये गीत सुनते हैं। मसीह के गीत सुनाओ के राह कट जाए, मसीह की हमद सुनाओ के राह कट जाए, मसीह के गीत सुनाओ के राह कट जाए, मसीह की हमद सुनाओ के राह कट जाए। से निकली लहू की जो धारे,
तसल्लियों के खुदाया, बहुत अंधेरा है। तसल्लियों के खुदाया, बहुत अंधेरा है। जरा सा नूर दिखा, हमारे सर पे जो छाए गमों के ये बादल, हमारे सर पे जो छाए गमों के ये बादल, इमाम हमको बढ़ाओ तेरा के गीत सुनाओ के राह कट जाए, मसीह की हमद सुनाओ के राह कट जाए, मसीह के गीत सुनाओ के राह कट जाए, मसीह के गीत सुनाओ के राह कट जाए, मसीह की हमद सुनाओ के राह कट। प्रिय रेडियो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपको भाई मॉरिस माधो का नमस्कार। मित्रों, लूत की पत्नी और सगदूत पुराने नियम में हर जगह हम स्वर्ग दूतों को परमेश्वर के सेवकों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए और उसकी सेवा करते हुए देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक के अध्याय 19 में सदोम और अमोरा नगरों के विनाश की कहानी लिखी हुई है। इस घटना में स्वर्ग दूतों की एक अहम भूमिका है। यहां एक बार फिर स्वर्ग दूतों की अनसुनी करने के घातक परिणाम देखे जा सकते हैं। यहां इस प्रकार लिखा है कि जब पौ फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोले, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी दोनों बेटियों के हाथ पकड़े, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना, तराई भर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। उत्पत्ति की किताब 19:15
और 17। उसके बाद क्या हुआ आप सभी जानते हैं कि लूत की पत्नी ने उस आवाज की अनसुनी की और पीछे मुड़कर जब देखा तो वो नमक का खंभा बन गई। स्वर्ग दूत ने उससे कहा था फुर्ती से वहां से भाग जा क्योंकि जब तक तू वहां ना पहुंचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूंगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोअर पड़ा। सदोम नगर को नाश करने से पहले परमेश्वर की दया लूत और उसके परिवार पर थी, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए उसने उन्हें उनके पास भेजा था। उनके द्वारा बोले गए वचन अटल थे। उन्होंने जैसा कहा था बिल्कुल वैसा ही होता रहा। उसने लूत से कहा था कि वो यहां से भाग जाए और पीछे मुड़कर ना देखे, परंतु लूत की पत्नी ने उसकी आज्ञा की अवहेलना की। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा वो नमक का खंभा बन गई। लूका के सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत जिस दिन सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सबको नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो छत पर हो और उसका सामान घर में हो वो उसे लेने को ना उतरे, वैसे ही जो खेत में हो वो पीछे ना लौटे। लूत की पत्नी को स्मरण रखो। जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, जो कोई उसे खोए वो उसे जीवित रखेगा। लूका 17:29-33। यहां यीशु अंत समय की बात कर रहा था। उसने स्पष्ट कहा कि लूत की पत्नी को स्मरण रखो क्योंकि उसने प्रभु की आज्ञा की अवहेलना की और नमक का खंभा बन गई। अंत समय में भी जब वो महिमा में होकर आएगा तो जो उसकी आवाज की अनसुनी करेंगे वे भी नाश होंगे। जकराया और स्वर्गदूत लूका के ही सुसमाचार के पहले अध्याय में भी इसी तरह की एक और घटना का वर्णन है जो इस प्रकार है। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरा देखकर घबरा गया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा हे जकरा भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी इलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम योहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा, बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। लूका 1:11-15 पद। जकराया और उसकी पत्नी इलिशिबा दोनों बहुत सालों से एक बेटी की लालसा में प्रार्थना करते आ रहे थे। उनकी प्रार्थना को सुनकर परमेश्वर ने उनके पास अपना स्वर्गदूत यह संदेश देने के लिए भेजा कि वो उनसे जाकर कहे कि उनकी प्रार्थना सुन ली गई है। यह संदेश पाकर उसका स्वर्गदूत उनसे ये कहने आया कि हे जकरिया भयभीत न हो क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है।
सगदूत की यह बात सुनकर जकर्याह को विश्वास नहीं आया कि परमेश्वर ने सगदूत के द्वारा उसके पास यह संदेश भेजा है। थोड़े समय के लिए तो उसका विश्वास अविश्वास में बदल गया। उसने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। यहां वो स्वर्गदूत से कह रहा था, वो कैसे जाने कि जो वो कह रहा था सत्य है। उसने स्वर्गदूत की आवाज पर विश्वास नहीं किया, जबकि वो परमेश्वर का एक खास दूत जिब्राइल था। क्या आप भी स्वर्गदूतों की आवाज की अनसुनी कर देते हैं? याद रखिए कि परमेश्वर ही उन्हें कोई ना कोई संदेश लेकर आपके पास भेजता है। हम हैं कि हम उनकी अनसुनी करके शैतान को अपने जीवन में आने का न्योता देते हैं। यह स्वर्गदूत हमारे लिए अच्छा सुसमाचार लाते हैं। उनके द्वारा लाए गए अच्छे सुसमाचार हमारे अविश्वास के द्वारा हम तक नहीं पहुंच पाते हैं। हम परमेश्वर की आवाज सुनने से महरूम रह जाते हैं। जब भी आप परमेश्वर द्वारा भेजे गए स्वर्गदूतों के द्वारा कोई संदेश पाएं, तो विश्वास और आनंद के साथ उन्हें स्वीकार करें। तब वो आपके जीवन को क्रियावंत करेगा। जब हम परमेश्वर की आवाज की अवहेलना करते हैं, तो हम सने सने स्वर्ग में निवास करने के अधिकार को खोते जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम वहां से पृथक कर दिए गए जाते हैं। परमेश्वर के वचन और उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन का मूल है। बाइबल में उसके वचन के लिए मुक्ति का मार्ग खोलते हैं। मरियम और स्वर्गदूत लूका के पहले अध्याय में परमेश्वर का प्रधान जिब्राइल दूत मरियम के सामने प्रकट हुआ और उससे कहने लगा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा और वो याकूब के घराने पर सदा राज करेगा। उसके राज का अंत ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। लूका 10:30-38। जिब्राइल ने मरियम के सामने वही कहा जो परमेश्वर ने उससे कहने के लिए कहा था। मरियम ने उसके शब्दों को वैसा ही स्वीकार किया जैसा उसने उन्हें सुना था। उसने उसकी बातों की अनसुनी नहीं की, बल्कि ये कहा कि वो तेरे वचन के अनुसार हो। वे शब्द परमेश्वर के थे जो दूत ने मरियम से कहे थे। वे लोग जो परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, उन्हें वैसा का वैसा ही स्वीकार करते हैं, विश्वास करते हैं कि वचन के द्वारा उनके जीवन में कार हो। ऐसे लोग उसकी अवहेलना नहीं करते हैं। तब वचन उनके जीवन में क्रियाशील होता है। ऐसे ही लोग चंगाई पाते हैं, स्वयं अपनी आंखों से अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम मेरे वचन अपनी आत्मा में स्वीकार करो, तो ये तुम्हारे जीवन में फलवंत होगा। फिलिप्पियों की पत्री में लिखा है कि मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो मसीह सहित मसीह प्रभु यीशु में है, तुम्हारी हर एक घड़ी को पूरा करेगा। मेरे मित्रों, बाइबल कहती है लूका 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि जैसे तुम शरीर में स्वस्थ हो, वैसे ही आत्मा में भी संपन्न हो। हाँ मेरे मित्रों, स्वर्गदूत आपकी सहायता करना चाहता है। क्या आप तैयार हैं अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे
वह आपको पुकार रहा है, वह आपका नाम जानता है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु हमारे इस जीवन के लिए। हम चाहते हैं प्रभु कि तेरा हमारे जीवन में तेरा महान कार्य हो। हम चाहते हैं प्रभु कि तेरे वचन के अनुसार हम तुझ पर ईमान ला सके, तुझ पर विश्वास कर सके प्रभु। हम जानते खुदावन कि तू स्वर्ग से हमारी सहायता के लिए स्वर्ग दूतों को भेजता है। इसके लिए हम तेरा धन्यवाद देना चाहते हैं और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर, आमीन। मित्रों, आप हमें इस नंबर पर कभी भी किसी भी समय फोन कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं, अपने बीमारियों को बता सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मेरा नंबर है 9689231702, 9689231702। मेरा ईमेल आईडी है morris@gmail.com, morris@gmail.com। आप हमारे कार्यक्रम को ऑनलाइन में भी सुन सकते हैं। हमारा पता है AWR हिंदी एशिया। इस कार्यक्रम को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। उम्मीद करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। आपको कार्यक्रम कैसा लगा अवश्य लिखें। हमें आपके पत्रों का इंतजार रहेगा। हमारा पता है कार्यक्रम जीवन धारा, एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्टबॉक्स 17, पुणे 411001, महाराष्ट्र, इंडिया। श्रोताओं, अब हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। इसी समय इस मीटर बैंड पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। प्रभु आपको आशीष दे।